हेलो किड्स, बच्चा आज हम अपने मैथ्स में ही एक और न्यू कंसेप्ट लर्न करने वाले हैं, ठीक है। आज मैं आपको एक न्यू कंसेप्ट अंडरस्टैंड करवाऊंगी। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ बिगर एंड स्मॉलर। ओके, ठीक है। बिगर एंड स्मॉलर नंबर का मैं आपको कंसेप्ट लर्न करवाऊंगी, ठीक है। अपनी मैथ्स की बुक ओपन करो, नोटबुक ओपन कीजिए और यहाँ पर डेट लिखिए 18th of May 2021. Write down the day here. Today is Tuesday. Spelling is Tuesday. 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 Okay. अब यहाँ पर ये साइंस लगाने हैं बिगर एंड स्मॉलर का। दिस इज द साइन ऑफ बिगर, दिस इज द स्मॉल ऑफ साइन ऑफ स्मॉलर। ओके, चलो। आपने काउंटेंट राइट किया हुआ ना बच्चा, पहले है ना, काउंटेंट राइट वाली की हुई है। तो अभी हम एक बारी क्या करेंगे, मैम ने यहाँ पर फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर पेंसिल्स ड्रॉ की हैं, ठीक है। आप अभी इनको काउंट कीजिए, कितने फ्लावर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर 4 राइट करो, दिस इज 4। ओके, राइट, काउंट द पेंसिल्स, 1 एंड 2, राइट डाउन द नंबर 2। ओके, अब क्या पता चल रहा है आपको बेटा, जो नंबर बिग है। अब बिग नंबर कौन सा है, जो नंबर हम ये देखिए, जो नंबर जो नीचे नीचे आते जाते हैं ना, जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, जैसे जैसे नंबर नीचे नीचे आते जाते हैं वो बिग होते जाते हैं, ठीक है। अब जैसे 1 स्मॉल है ना, 2 1 से बिग है, क्योंकि ये से नीचे है ना, तो ये इसके बड़ा है, ठीक है। जो नंबर आफ्टर होते हैं नंबर से वो बिग होते हैं, ठीक है। 1 के आफ्टर 2 है ना, तो 2 इज बिग, बिग इज बड़ा। ओके, अब 3 और 2 में कौन सा बिग है, देखो 3 उसके नीचे है ना, 3 उसके आफ्टर है, तो 3 बड़ा है, बिग है, ठीक है। ओके, ऐसे ही 3 एंड 4 में देखो, थ्री बिफोर है एंड 4 आफ्टर है। जो नंबर आफ्टर होगा वो बिग होगा, ठीक है। 3 के आफ्टर आता है ना 4, तो ये बिग है, ठीक है। 4 के आफ्टर 5 है, तो 5 4 से बिग है। ऐसे ही देखो, 9 के आफ्टर कौन सा नंबर है, 10 है ना, तो 10 इज बिग देन 9। ओके, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अब ये 4 है ना, 4 2 के आफ्टर आता है ना, तो क्या होता है, जो नंबर आफ्टर आते हैं ना, तो हमारे पास क्या है, ये देखो, ये एक ये क्लिप बैग, ठीक है, क्लोथ क्लिप है। तो जो नंबर बिग होता है ना, तो क्लोथ क्लिप क्या करती है, अपना माउथ ओपन करती है और उसको खा जाती है ऐसे, ठीक है। माउथ ओपन करती है और खा जाती है। जो नंबर बिग होता है उसकी तरफ ऐसे, ये जो क्रोकोडाइल का माउथ है ना, ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है, जो नंबर बिग होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रोकोडाइल का माउथ ओपन हुआ, कैसे ओपन हुआ, ऐसे। ये देखो, ये क्रोकोडाइल का माउथ है ना, क्रोकोडाइल का माउथ है ना ये, तो क्रोकोडाइल ने बिग नंबर को खा लिया, ठीक है। तो फिर अब आपने ऐसे ही ये मार्क लगाना है, जो नंबर बिग होगा उसकी तरफ क्रोकोडाइल का माउथ ओपन कर देना है, और जो इसका इट्स मीन्स ये जो पीछे वाला बैक है क्रोकोडाइल का, वो स्मॉल नंबर की तरफ है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल काउंट द नेक्स्ट नंबर्स। ओके, 1, 2, 3, 4 एंड 5, वी हैव 5 स्टार्स, राइट डाउन द नंबर 5 हियर एंड काउंट द ट्राइंगल्स, 1, 2 एंड 3, राइट डाउन द नंबर 3 हियर। ओके, टेल मी विच नंबर इज बिगर, कौन सा नंबर बिग है, यस 5 बड़ा है ना, 5 बिग नंबर है, तो क्रोकोडाइल आ रहा है और उस बिग नंबर को खाने आ रहा है, तो हमने इसकी तरफ मुंह ओपन कर दिया, क्रोकोडाइल का माउथ ओपन कर दिया। तो अब हम कौन सा मार्क लगाएंगे, कौन सा साइन लगेगा, ये वाला, मतलब ये नंबर बिग गया, क्रोकोडाइल का माउथ ओपन इस नंबर की तरफ होगा, बिग नंबर की तरफ, और इसकी बैक जो है वो स्मॉल नंबर की तरफ होगी। ओके, डन, अंडरस्टूड, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट, ठीक है। काउंट करो, 1 एंड 2, वी हैव 2 हार्ट्स,
ठीक है, टू हट्स हैं और कितनी बॉल्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, वी हैव 4 बॉल्स। नाउ टेल मी विच नंबर इज बिगर, कौन सा नंबर बिगर है, दिस नंबर इज बिगर 4, क्योंकि 2 के आफ्टर आता है 4, है ना। तो जो क्लिप है, जो हमारा क्रोकोडाइल का माउथ है, क्रोकोडाइल का माउथ किसकी तरफ ओपन होगा, यस 4 की तरफ ओपन होगा, यस। तो अब 4 की तरफ माउथ ओपन होगा और कैसा साइन बन जाएगा, ऐसे, एंड उसकी बैक आ रही है, तो दिस इज द स्मॉलर नंबर। इट्स वेरी इजी, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ना ये, है ना। चलो लेट्स काउंट द आइसक्रीम्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5, वी हैव 5 आइसक्रीम्स एंड 1 एंड 2 हार्ट्स, ठीक है, 2 हार्ट्स हैं। टेल मी व्हिच नंबर इज बिगर, कौन सा नंबर बिगर है, यस यस दिस नंबर इज बिग, है ना। तो मार्क द ओपन साइन इन फ्रंट ऑफ द बिगर नंबर, ठीक है। अब ये ओपन जो वाला, ओपन माउथ वाला साइन है वो इसकी तरफ कर दो बिग नंबर की तरफ, और जो क्लोज माउथ है वो कर दो स्मॉल नंबर की तरफ, ओके। आई होप ये एक्टिविटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी होगी। अभी अभी आप बस एक बारी 1 to 20 तक नंबर्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसके बाद फिर आपको डेली रिविजन करा के 1 to 50 नंबर्स तक मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, ओके बच्चा। अच्छे से आपने मम्मा को बोलना है, ये ऐसे मम्मा आपको ड्रॉ करके देगी और आपने ऐसे ही करना है, ठीक है, ओके बच्चा, बाय बाय, टेक केयर।